हम दोस्तों की शादी के बाद वक्त था अब इंजॉय करने का। एक मेरा दोस्त जो कि अभी कवारा था, अब शादी की तो उसको भी जल्दी थी लेकिन इसका भी वक्त आ गया। मेरी शादी के 4 महीने बाद आखिर हमें जाना ही पड़ा इसके घर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 फरवरी 2023, रिजवान फाइनली शादी हो रही थी इसकी और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। चारों तरफ खुशियाँ, बड़ा सा घर, गांव में एक अलग सा ही माहौल था। भाई भी मेरा राजकुमार की तरह जैसे तैसे गाड़ी इनकी आगे बढ़ी, हम भी चले इनके पीछे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल इस छोटे से इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो सुबह के 6:30 बजे और हम बाहर निकले तो देखा सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन हमें पता है सुबह है तो कौन खोलेगा अपनी दुकान। फिलहाल यहाँ हम रुक गए यार, बंदर देख के, बहुत सारे बंदर थे यहाँ पे तो इनको देखने लगे। और एक चीज़ और दिखा, ये देखिए आपने, यह है नीलगाय। हमें स्टार्टिंग में थोड़ा धोखा हुआ, हम सोच रही है क्या, लेकिन जब देखा ना गौर से तो ये नीलगाय थी। बहुत ही मतलब रेयर चांसेस होते हैं दिल्ली में इनको देखना, और हमने मतलब सुबह हमने देखा तो बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा बिल्कुल जू वाली फीलिंग आ रही थी। देख लो उधर भी एनिमल, इधर भी एनिमल, मतलब एक अलग तरह का। फिलहाल अब चलते हैं आगे क्योंकि हम लेट हो जाएंगे अगर इनको ही देखते रहेंगे। ये दोस्तों जो आप पिलर देख रहे हो ना, ये सहारनपुर एक्सप्रेस वे जा रहा है यहाँ से, ये रही हमारी कार। अब चलते हैं, बहुत देर यहाँ रुक लिए। ये देख, चलो दरवाज़ा खोलते हैं। अलाउद्दीन बैठा हुआ पहले से अंदर और बैठ गए। अभी दिल्ली ख़त्म होने वाला है और ये रहा नज़ारा। फाइनली हमने सोचा है ना, डिसाइड कर लिया एक शॉर्टकट लेने वाले हैं। ओह माय गॉड, ये शॉर्टकट ना हमें कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया। ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, लेकिन इससे हमारा ना 1 घंटा बच गया दोस्तों। अब हम जल्दी ही मतलब अपने जहाँ हम जाना है ना दोस्त के घर जल्दी पहुँच जाएंगे। फाइनली पहुँच गया यार यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये टेंट लगा हुआ है जहाँ फूड का अरेंजमेंट हुआ हुआ है। पहले खाना खाते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। तो फूड देख के मतलब पानी आ गया था मुँह में मेरे पहले से ही। और ये स्टॉल लगे हुए हैं, सुबह कुछ नहीं खाया था तो इस टाइम थोड़ा सा खा लेते हैं। ये रहा दोस्त मेरा रिजवान जो कि छज्जे से लटक के हमें देख रहा है, कह रहा ऊपर आ जाओ। चलो ऊपर चलते हैं। हम आ गए सहारनपुर में, छत पे आ गए, धूप खिली हुई है। और ये बट्टा मेरा दोस्त रिजवान बीमार हो गया, भाई दूल्हा बीमार हो गया। तो ऊपर देख कितना नीचे लगाया इसने, नजर लग गई काली ऑप्शन। खुश है? हाँ बहुत भाई, बहुत खुश है, बहुत। अब मैं थोड़ा आपको ना गांव दिखा देता हूँ। ये देखिए दूर दूर तक खेत और ये गांव मतलब घर बने हुए। आप जो मतलब थोड़ी सी दूर पे ना, इनसे 12 किलोमीटर बताते हैं देवबंद है। और ये हम अभी फ़िलहाल सहारनपुर में है और ये घर है। और इसने अपने खेत ही बताया कि मतलब पास में जो सामने थे इसके घर के, वो खेत थे इसके। बाकी यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा, तो अभी डिसाइड किया गन्ने खाएंगे। यहाँ पे ना गन्ने आए हुए हैं और हमने फिलहाल 2 गन्ने निकलवा लिए। देखो ये पड़े हुए, मैं आपको गन्ने दिखाता हूँ, गन्ने खाएंगे। ले एक तेरा आएगा नहीं, सच में नहीं खाता खाता हूँ मैं, बहुत साल पहले खाया होगा। आज दोस्तों गन्ने खाएंगे।
हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, लेकिन गन्ना खाने में ना यार सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों क्या यार, मतलब कई सालों बाद मैंने गन्ने खाए, और गांव में मतलब कुछ टेस्ट अलग होता है। ये देखो दूल्हा जो था ना, ये भी गन्ने ही खा रहा है, इसके सर में दर्द हो रहा है, बीमार पड़ा हुआ है फिलहाल। ये थोड़ा सा फोटो शूट चल रहा है भाई का मेरे, देखो। तो भाई हमारा तैयार हो गया, देख रहे हो यार, आउटस्टैंडिंग। कुछ बोल लेगा कभी तो बोलेगा। एक बार जबर की शादी में उसने बोला था ना मेरी भी होने वाली है, आज हो गई। आगे तो भी ले लूँ? नहीं, ये रहा भग गए। रात हो गई थी और हमें बारात लेके निकलना भी था, लेकिन फोटो शूट से भाई को फुर्सत मिली तभी तो फिलहाल करवा ले यार, तेरा वक्त है अभी। बाकी बाहर देख रहे हो आप, रात हो रही है और सब इंतज़ार कर रहे हैं दूल्हे के निकलने का। ये रे सारे पागल दोस्त, जिसमें से मैं भी एक हूँ। डांस तो बनता है, सब नाच रहे थे खुशी में। बस जो स्टेप आया वो करते जाओ, जैसा मर्जी वैसा करो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई टोकने वाला है। बस मेरे दोस्त की शादी है, दूर खड़ा दोस्त ये सब चीज़ें देख रहा है, तो फिलहाल इसको दिखाते हैं। ये रहा फिलहाल, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, अब यहाँ से निकलना है, और जब ये निकला तो हमें भी निकलना है अब यहाँ से। कार के निकलते ही हम भी यहाँ से निकल गए, और हमें अभी यहाँ से 35 किलोमीटर चलना है। 35 किलोमीटर चलने के बाद हम बारात लेके पहुँचेंगे, और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि खाली रोड मिलते हैं, गांव में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है। फाइनली देख रहे हो यहाँ की मार्केट। सो दोस्तों पहुँच ही गए, ये है यहाँ पे टेंट का कुछ डेकोरेशन, उन्होंने ये कर रखा, नॉट बैड, बहुत अच्छा लगा। शादी में जो हुई ना वो भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि हम गांव में आके आया, शादी हो रही है मतलब वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल शहर वाला बिल्कुल फीलिंग आ रही है। अंदर क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है अंदर, और फूड का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। एक अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पे पहली बार मैंने हलीम खाई है, किसी शादी में हलीम खाई है मैंने, बहुत टेस्टी थी। बाकी बहुत सारा फूड था, आप खाते खाते थक जाओ। फिलहाल इन सब से दूर मेरा दोस्त फोटोशूट में मशगूल हो रहा था। ये भाई साहब एक एक पोज बता रहे थे इन्हें, और उस तरीके से पोज दे रहे थे। एक दूर यहाँ पे फोटोग्राफर की बारात जो फोटो ही फोटो खींच रही थी, ये देख रहे हो कितने सारे फोटोग्राफर हैं यहाँ पर। भाई का ड्रोन से भी शूट हुआ, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कैसे किसी होता है रजवाड़े वाली फीलिंग आ रही थी। ये देखो ये रे जूते, ये रहे मेरा भाई, ये रे जूते, ये रहे मेरा भाई। अब पता है मैं बार बार जूते क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक किसी ने चोरी नहीं की है, कुछ देर में गायब हो जाएंगे। एक अलग से अरेंजमेंट होता है मुस्लिम शादियों में, ये होता है कि लड़के और लड़कियों के, मतलब जो लेडीज़ होते हैं उनका खाना अलग होता है और जेंट्स खाना अलग होता है, और दूल्हे के लिए एक अलग से बनाया जाता है, ज़्यादातर होता है। फिलहाल अब निकाह का वक्त हो गया है, तो निकाह हो रहा है यहाँ पर, खुश है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाजी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, और इसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करनी होती है इस्लामिक शरीक शाब से। मुझे भी अपने दिन याद आ गए जब मैं भी वहाँ पे ऐसे बैठा हुआ था और मेरा निकाह पढ़ाया जा रहा था। अब फिलहाल यहाँ पे रजामंदगी के लिए ना लड़की जो है ना लड़की वालों के पास जाया जाएगा, फिर वहाँ से भी मतलब कबूल नाम आएगा। फिलहाल निकाह हो गया माशाल्लाह, और भाई को मेरे मुबारकबाद दे दी गई है,
ये देखो सलाम करने के लिए खड़ा हुआ जाता है मुस्लिम, जो शादियाँ होती हैं उसमें दूल्हा जो होता है ना शादी निकाह होने के बाद सलाम करता है सबको खड़ा होकर के। सलाम करने के बाद भाई बैठ, उसके बाद जो ब्लेसिंग देते हैं आते हैं लोग, हाथ मिलाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, उसका सिलसिला शुरू होता है। अभी एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट लगती है वो होता है कि शादी के वक्त में जो छुआरे बटते हैं ना वो लोग बहुत खाते हैं, तो अभी देखते हैं वो है था। दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया ना प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एक शेयर तो बनता है यार, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये रही वो छुआरे की थैली जिससे भी छुआरे बांटे जाएंगे। फिलहाल शादी तो हो गई है, अब यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं कि यार अभी मतलब नाइट में ही निकल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर थोड़ी परेशानी हमें हो जाती है बाद में। बाकी छुआरे हमें भी मिल गए, ये देखो तो बात कर ली है हमने और डिसाइड कर लिया कि अभी कुछ देर में एक घंटे में यहाँ से निकल चलते हैं, पहुँच जाएंगे 3 बजे तक, दो बजे तक आई थिंक रात में पहुँच जाएंगे। आप देख रहे हो रात के 2 बज रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं है। चलो चलते हैं आगे, गली में आप पहुँच ही गए हैं। You're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's